इंडिया। मैं हूँ आपके साथ नेहा परिया। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सभी भक्त माँ की भक्ति में लीन नजर आते हैं और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे नवरात्रि के 6 दिन की। नौ दुर्गा के 6 स्वरूप में माँ भगवती कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसलिए माँ को कात्यायनी कहा जाता है। शक्ति पर्व शारदीय नवरात्र के उपलक्ष में माँ भगवती कात्यायनी का विशेष पूजन षष्ठी के दिन किया जाता है। ये खास तौर पर विवाह योग कन्याओं के लिए विशेष पूजन तथा मनोकामना पूर्ति का दिन माना जाता है। माँ कात्यायनी देवी का स्वरूप सोने के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। माँ का वाहन सिंह है और कहा जाता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। मान्यता है कि विवाह में आ रही बाधाओं के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। योगी और मनचाहा पति माँ की कृपा से प्राप्त होता है। वहीं ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध कात्यायनी माता से माना जाता है। माँ दुर्गा के इस रूप कात्यायनी को आयुर्वेद औषधि में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अम्बिका, माचिका भी कहते हैं। कात्यायनी कफ पित्त अधिक विकार एवं कंठ के रोगों का नाश करती हैं। देवी कात्यायनी के पूजन में शहद का विशेष महत्व है। इस दिन माँ भगवती को शहद का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। मान्यता है कि इस वक्त पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग माँ को 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर कुवारी कन्याओं में वितरित करते हैं तो आय में आने वाली बाधा भी दूर हो जाती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। माता रानी की असीम कृपा आप सभी दर्शकों पर बनी रहे। जय माता।